हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ संजय चौहान जूलॉजी एजुकेटर ऑफलाइन सेंटर अन अकेडमी इंदौर बच्चों मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको बताया था कि एन के कुछ एक कंसेप्ट पर मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी सीरीज का आपका जो दूसरा वीडियो है ये आज मैं लेके आया हूँ इसमें हम देखने वाले हैं आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है हिस्टोलॉजी ऑफ गट तो बेटा जो हिस्टोलॉजी ऑफ गट है उसमें यहां पर आपको ये दिखाई दे रही है वॉल ऑफ गट और इस वॉल ऑफ गट में आप देख सकते हैं वन टू थ्री और फोर ये चार हिस्टोलॉजिकल लेयर्स होती है इन चार हिस्टोलॉजिकल लेयर में से बच्चों ये आपको दिखाई दे रही है आउटरमोस्ट लेयर और ये आपको दिखाई दे रही है इनरमोस्ट लेयर तो सबसे पहला क्वेश्चन तो नीट में यही पूछा गया बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ हिस्टोलॉजिकल लेयर्स ऑफ गट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बच्चों दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है इनसाइड टू आउटसाइड तो आपको ध्यान रखना है आउटसाइड टू इनसाइड द आउटरमोस्ट लेयर इज सिरोसा सिरोसा के बाद बच्चों आता है मस्कुलर लेयर थर्ड दैट इज सबिकोसा एंड द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा तो पहला क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया और बहुत आसान है आप देखिएगा एक्चुअली में क्या होता है कि आप जब हिस्टोलॉजिकल लेयर पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल के एलिमेंट्री कैनाल के जब आप पार्ट पढ़ते हैं जैसे कि ईसोफेगस जैसे कि स्टमक जैसे कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तो बच्चों यहां पर आपके इन अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के रीजन में मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं इन में इसीलिए आपके नीट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस तो आपके एनसीईआरटी में गिवन हैं लेकिन वो दूसरे चैप्टर में हमें पढ़ने पड़ते हैं इसलिए बच्चे ये चीजें मिस कर जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आप ईसोफेगस पढ़ते हैं क्या आप जानते हैं कि इन ईसोफेगस इसोफेगस में बच्चों आपकी सिरोसा इज एबसेंट तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया एबसेंट क्या एबसेंट बेटा सिरोसा कहां पर एबसेंट होता है आपके इसोफेगस में एबसेंट होता है तो यहां पर नोट कर लीजिएगा इन इसोफेगस द सिरोसा इज एबसेंट आखिर सिरोसा एबसेंट है तो यहां पर सिरोसा की जगह क्या है तो आपका आंसर होगा बच्चों दैट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होता है सिरोसा में आखिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया और सिरोसा में क्या अंतर है मैं बता देता हूं बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सिरोसा है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू आउटर इज वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू बेटा व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर और आपके जो विसरल पेरिटोनियम होती है विसरल पेरिटोनियम

में सिरोसा एबसेंट दूसरा क्वेश्चन में सिरोसा की जगह क्या प्रेजेंट होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया तीसरा क्वेश्चन इसी से देखिएगा छोटे से पार्ट से तीसरा क्वेश्चन बेटा सिरोसा इज मेड अप ऑफ आपका आंसर बेटा व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू प्लस विसरल पेरिटोनियम देखिए कितने सारे क्वेश्चन एक छोटे से पार्ट से बन गए चलिए मैं आपको इसके आगे वाले पार्ट पर लेके चलता हूं यहां पर देखिएगा चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मस्कुलरिज लेयर क्या आप जानते हैं कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो मस्कुलरिज लेयर है इसमें स्टमक में मॉडिफिकेशन पाया जाता है स्टमक के अलावा चाहे वो ईसोफेगस हो चाहे वो स्टमक हो चाहे वो आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन हो यहां पर केवल दो मसल्स होती है बेटा आउटरमोस्ट लेयर होती है लॉन्गिट्यूडल मसल्स की और इनरमोस्ट लेयर होती है सर्कुलर मसल्स की बेटा एलएमएस का मतलब यहां लॉन्गिट्यूडल मसल्स है

इसके बाद यदि मैं बात करूं सब मिकोसा की तो क्या आप जानते हैं कि सब मिकोसा इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रिच ब्लड सप्लाई और यहां पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं और ये जो सब मिकोसा है इस सबमिकोसा के लेवल पर ब्र्यूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं बेटा ड्यूडेनम में और आप जानते हैं कि ड्यूडनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो बच्चों ड्यूडेनम में आपके लिए एक क्वेश्चन है ड्यूडनम में आपके पाया जाता है बेटा ब्र्यूनर्स ग्लैंड है ना और यह भी एनसीआरटी में गिवन है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है सब म्यूकोसा में ड्यूडनम के लेवल पर मॉडिफिकेशन पाया जाता है ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में ब्र्यूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं विच ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस दैट इज इंटेरिकस तो देखिए एक और नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया एट लास्ट सबसे आखिरी में बात करता हूं म्यूकोसा की बेटा म्यूकोसा में इलियम के लेवल पर मॉडिफिकेशन होता है आप जानते हैं ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट क्या होता है बच्चों इलियम होता है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जो म्यूकोसा होती है दिस म्यूकोसा इट्स सेल्फ मेडअप ऑफ थ्री सब लेयर्स बेटा म्यूकोसा में खुद आपके तीन सब लेयर्स होती है बच्चों है ना सबसे बाहर की जो आउटरमोस्ट होती है म्यूकोसा की इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेकिन इस लेयर को बेटा हम muscularis interna कहते हैं की बनी होती है मिडल लेयर इज कॉल्ड एज द लेमिना प्रोप्रिया लेमिना प्रोप्रिया और बच्चों यहां पर याद रखना है लेमिना प्रोप्रिया इज बेसिकली मेडअप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और आपको पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा की दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल एपीथिलियम और यहां पर कौन सा सिंपल एपीथिलियम होता है बेटा होता है और ये जो लेमिना प्रोप्रिया इसमें मैंने आपसे कहा कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और कोई नहीं लिंफॉयडिक टिश्यूज होते हैं और जब मैं बात करता हूं इलियम के म्यूकोसा की तो इलियम के म्यूकोसा के लेमिना प्रोप्रिया में आपके जो लिम्फोइडिक लिम्फॉइडिक टिश्यूज के होते हैं एग्रीगेशन एग्रीगेश को बेटा आपके पेयर्स पैचेस कहते हैं यह है नीट का अगला मेन क्वेश्चन आपके ह्यूमन हेल्थ और डिसीज वाले चैप्टर में बेटा दिया हुआ है सेकेंडरी लिम्फोइडिक ऑर्गेन का एग्जाम्पल द पेयर्स पैचेस तो पेयर पैचेस कहां होते हैं इलियम में होते हैं इलियम में कहा होते हैं लेमिना प्रोप्रिया में होते हैं लेमिना प्रोप्रिया किसका मिडल पार्ट है म्यूकोसल लेयर का मिडल पार्ट है तो आपने देखा इस छोटे से एक डायग्राम में इन चारों पार्ट में कितने सारे मल्टीपल क्वेश्चंस थे और हम इनसे अनभिज्ञ रह जाते हैं है ना तो इसी तरीके के आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं लगातार आपके लिए लेता रहूंगा लाता रहूंगा ठीक है और इस तरीके से हम आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच